अब अभी तो दो गेम और खेलेंगे बैंच, दो चिकन डिनर और मारने। अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, खेल आराम से। ठीक है चल। रुक रुक रुक, मैम का फोन आ रहा है। मॉर्निंग मैम। यस मिस्टर संचित। हाँ जी मैम। यस आई सेंड यू टू प्रेजेंटेशंस एंड प्लीज सेंड मी अ टाइप्ड समरी। आई रिपीट, अ टाइप्ड समरी ऑफ इट क्विकली। आई हैव अ मीटिंग एंड आई नीड इट क्विक। राइट मैम, समरी आई विल सेंड इट टू यू मैम राइट अवे। एक्चुअली रीमेक द एंटायर समरी हाँ जी मैम। फ्रॉम स्क्रैच एंड सेंड टू मी क्विक। कम ऑन, यू आर गेटिंग पेड फॉर इट, सो डू इट। राइट, बना देंगे मैम फिर से। हाँ जी, बना के देता हूँ मैम। वेयर इज द प्रेजेंटेशन? भेज ही रहा था मैम, बस आपको भेज ही रहा था। एनी वेज, फॉरगेट व्हाट आई टोल्ड यू टू डू, फॉरगेट द प्रेजेंटेशन मैम। बट वो पुराने वाला काम। व्हाट आई वांट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर कंपनी। अभी जो पहले भेजा था वो। आई वांट द एंटायर कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड प्लीज डू इट फास्ट दिस टाइम। डू इट एज फास्ट एज यू कैन दिस टाइम बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। ठीक है मैम, बस अभी आई विल सेंड इट टू यू राइट अवे। Morning, ma'am. I need the organizational structure and I send you 3 merits. Please read the 3 merits and explain it to me and please read it right and explain it properly and see to it that everything is in it because I need to explain to the president. Abhi jo pehle bheja tha wo. Forget about the presentation. Forget about whatever I asked. I want this right now. Are you understanding, Mr. Sanchit? हेलो। हाँ जी। वेयर इज इट संचय? मेल भेज दिया मैम, अभी भेजा बस। लीव एवरीथिंग, आई वांट यू टू मेक एन इनविटेशन कार्ड फॉर अ बर्थडे। इट इज फॉर माय डॉटर एंड प्लीज गेट अ केक डिलीवर्ड टू माय हाउस एंड प्लीज मेक द इनविटेशन कार्ड वेरी डीसेंट। केक लाना है, मैं करता हूँ मैम, कुछ भिजवा देता हूँ मैं, नहीं तो मैं ले आऊंगा, मैं करता हूँ कुछ। संचित, केक वाज सो स्वीट। बहनचोद, केक मीठा नहीं होगा, उससे बहनचोद करेले का जूस टपकेगा। तुम लोग को प्रॉब्लम क्या है? तुम ये जितने सारे बॉसेस देख रहे हो, तुम एक चीज मेरे को ये समझा दो अभी। तुम लोग को वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता क्या? समझते क्या हो तुम बहनचोद वर्क फ्रॉम होम से? जब ऑफिस का टाइम बहनचोद 9 से 5 है तो वर्क फ्रॉम होम का टाइम बहनचोद 24 घंटे क्यों है? वर्क फ्रॉम होम का मतलब होता है घर से बैठ के काम करना, ये थोड़ी मतलब होता है एक्स्ट्रा गांड मरवाना। और तुम्हारी बहनचोद रिपोर्ट प्रेजेंटेशन लौड़ा लसन में बहनचोद हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। हम लोग को रात को नींद नहीं आती, तुम लोग की थूक जितनी सैलरी पे स्लिप में देख के वैसे ही नींद की गांड मरी रहती है। एंड में बहनचोद सोने से पहले अगर हम थोड़ा सा शिवजी को याद कर लें, अगले दिन बहनचोद तुम आंखें देख के ऐसी भागते हो हमारी जैसे हमें एड्स है। और तुम्हें बहनचोद हर चीज में पीपीटी पीपीटी क्यों चाहिए? क्या करते हो ये पीपीटी गांड में डालते हो अपनी? ये जो बच्चा भी टांग के घूम रहे हो अपने गले में, ये भी क्या बहनचोद पेन ड्राइव को सॉकेट में डालकर डाउनलोड किया था क्या? इतना तुम बिजी किस काम में रहते हो? तुम्हारी शक्ल देखते ही बहनचोद ऐसा लगता है जैसे कहीं बहनचोद सूडान के डेजर्ट से मजदूरी करते फिर रहे हो 1 महीने से। और तुम लोग को काम तो कुछ होता नहीं है, गान टिका के भैंचो अपनी चेयर पे बैठना होता है, सांस लेनी होती है, उसमें भी तुम्हें भैंचो चाहिए अप्रिसिएशन। हम लोग तुम्हें भैंचो एक गोबर काम करके देते हैं, वो गोबर काम तुम भैंचो एप्पल पाई बना के अपने बॉस को सबमिट करते हो। वो एप्पल पाई बनाने के लिए भैंचो तुमको प्रधानमंत्री से भारत रत्न की उम्मीद है। तुम्हें क्या लगता है भैंचो हमें कुछ पता नहीं? हम लोग कुछ दिख नहीं रहा, हमें सब दिख रहा है, हमें पता है तुम्हारी जिंदगी में क्या चोद है। अपना चोद खुद संभालो भैंचो, हमारे पे क्यों डाल रहे हो? तुम लोग को भैंचो ऑर्गेजम भी तब आता है जब हम भैंचो जूनियर लोग जो है गर्म पानी में थोड़ी सी ओल्ड मॉन्ग भैंचो प्याज के साथ स्टील के ग्लास में जहर के साथ डाल के पी ले भैंचो। हाँ बहन, सॉरी मैम। हाँ जी मैम, आ रहा हूँ मैम, बलून लेके आता हूँ। हाँ जी मैम।